बताइए कैसे गई अपने पास। डेटा बताइए क्या जी कितने बनता। तो मतलब 4.8 तो कंपाउंड जेड जो है वो 4.8 ग्राम का है। ठीक है, मतलब हमारे पास वीडियो है हाँ जी। तो और बिना फिर तो उसके वीडियो बाद जो सॉल्यूशन का है वो है 0.1200। सॉल्यूशन का क्या वॉल्यूम, हाँ वॉल्यूम तो वॉल्यूम दे रखा है हमको सॉल्यूशन का, क्यू वो दे रखा है कितना, जीरो जीरो पॉइंट पॉइंट 1200 डीएम क्यू यूम क्यू है ना। जी। और और एम दे रखा है 0.52 0.5 जी। और निकालना है जेड। हाँ निकालना है जेड। पहली चीज तो अगर हमारे पास वेट दे रखा है सॉल्यूट का 4.8 ग्राम तो ठीक है बढ़िया। अब हमारे पास मेन चीज का देखने का है कि हमें एम दे रखा है, और अगर एम दे रखा है इसका मतलब मोलारिटी का फॉर्मूला कंप्लीटली यूज होगा, पहले चीज आपसे क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, सो एम इज इक्वल्स टू एन अपॉन वॉल्यूम, वो भी किसमें, लीटर में। लीटर में। ठीक है, एम है अपने पास, वॉल्यूम है अपने पास। ठीक है, एम कितना है 0.52 इज इक्वल्स टू एन अपॉन वॉल्यूम कितना है 0.1200 डेसीमीटर क्यूब। और आपको पता होना चाहिए कि डेसीमीटर क्यूब इज ऑलवेज इक्वल टू 1 लीटर। ठीक है ना, तो और आगे जीरो क्या रिलेवेंस है, 0.1200 को मैं 0.12 नहीं लिख सकता, हाँ लिख सकते लिख हैं सकता है तो 0.12 लीटर। जी ठीक है, चलो एन की वैल्यू कैसे निकलेगी, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके, तो 0.52 × 0.12 ये मल्टीप्लाई किया हो तुमने कितना आया, इसका आया 0.0624। 624 और दो के आगे चार के आगे हैं, हाँ 0.0624 है ना, यहाँ तो हो गया, मतलब मोल्स निकल गए अपने, फिर लग गए कि हमारे पास मोल्स आ गए, मोल्स आ गए। अब मोल्स आ गए और आपसे अगर जेड पूछा है तो देखो, अब हमको पता है कि मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स का फॉर्मूला होता है हाँ वेट अपॉन मोलर मास एंड बोथ मस्ट बी इन ग्राम्स राइट। तो W तो हमको दे रखा है दैट इज 4.8 ग्राम। ठीक है, लेकिन हमारे पास मोलर मास नहीं है। ठीक है, और मोल्स हमने अभी निकाले 0.06। हाँ ये मैंने किया था, इतना तो मैंने कर कर लिया। लिया ना, अब ये हमको नहीं गिव रहा है ना, अब इसको हम निकाल भी नहीं सकते, क्यों, क्योंकि हमको कंपाउंड नहीं पता, केवल कंपाउंड जेड दे दिया और जेड क्या चीज है ना, तो कंपाउंड अगर नहीं पता तो एक्चुअल में दिस क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट द मोलर मास ऑफ दैट कंपाउंड व्हिच वेट इज गिवन, इसका वेट दिया हुआ है, वो ये पूछ रहा है कंपाउंड का आप मोलर मास बता दो। ठीक है ना, तो मतलब अब देखो ये निकालना है, ऊपर तो एक्सचेंज करोगे तो ये नीचे आ जाएगी, ऊपर आ जाएगा। हाँ तो मतलब वो डिवाइड हो जाएगा। हाँ, तो Mn इज इक्वल्स टू 4.8 अपॉन 0.06। ठीक है, इसको हटाया इनटू 10, इसको हटाया इनटू 100। हाँ सॉरी। ठीक है, तो 4.8 और नीचे 6। ठीक है, तो दो से कट रहा, पहले से काटा, देखेंगे बाद में, थ्री टाइम्स 2 टाइम्स 4 टाइम्स। ठीक है, और ये 3 से कट रहा 8 टाइम्स, 8 × 10 से कट जाएगा, 1 0 का ये इनटू 10 यानी कि आंसर कितना आ गया 80 ग्राम। हाँ मैंने ना इसमें मल्टीप्लाई कर दिया था बस, मल्टीप्लाई नहीं करना, हाँ, डिवाइड करना, तो बस और बाकी तो ये आ गया आपका जेड का वेट, दिस इज जेड। ठीक है, तो जहां से भी कनेक्शन कर लो आगे बढ़ो। तो कल हमने
सिमिलैरिटी पढ़ लिया था पूरा, ठीक है। उन्होंने कितने क्वेश्चन करवाए थे? उसके अब लिए थे पांच, पांच अच्छे क्वेश्चन करवाए थे, मतलब हमने सारे उसके एस्पेक्ट कवर कर लिए थे। आज हमें स्टार्ट करना है मोलैलिटी, मोलैलिटी है ना, डबल मोलैलिटी। आज उसको देखते हैं। वीडियोस वगैरह देख रही हो? लिंक शेयर किया था ग्रुप बनाते हैं। हाँ, मैंने वो जो कल वाली थी ना वो फिर से एक बार देखी थी। ठीक है, और बाकी और भी उसमें बहुत सारे में हमारे 450 के आसपास वीडियोस है, तो देखना वो सारे इधर हैं। मोलैलिटी, मोलैलिटी का सिंबल था कैपिटल एम। हाँ, उसको क्या था? स्मॉल एम, स्मॉल एम। ठीक है, अब कुछ बातें हैं इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है, किताबों में मिल जाएगी तो वो भी आपको मिल सकते हैं। सबसे पहली चीज तो आपको उसमें लिखना है डेफिनेशन इसकी, तो क्या लिखोगे? प्रेजेंस ऑफ मोल इन 1 kg ऑफ 1 kg ऑफ एक्वस सॉल्यूशन, सॉल्वेंट एक्वस सॉल्यूशन या अच्छा अच्छा सॉल्वेंट, यही फर्क है दोनों में, बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है लोगों में। प्रेजेंस ऑफ मोल्स इन 1 kg ऑफ वो, और मोल्स भी किसके? सॉल्यूट के। अच्छा, प्रेजेंस ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट ओनली। अब ये डेफिनेशन है तो इससे मिलता जुलता क्या होगा? फॉर्मूला आएगा। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला हो जाएगा इसका, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मोल्स अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। अब एक चीज का ध्यान रखना, फॉर्मूले के अंदर क्या बोल रहा है? केजी। ठीक है, क्वेश्चन में जानबूझकर वो ग्राम में देंगे और उसको, बट यू हैव टू कन्वर्ट इट टू केजी। ठीक है, पाउंड में भी दे सकते हैं, ब्रिटिश पाउंड जो होती है ना, तो आज लेकिन फॉर्मूला जो कि केजी बोल रहा है तो आपको केजी में लिखना पड़ेगा। भाई केजी दे दो बात खत्म, सेम टू सेम आपने वैल्यू इसमें डाल दी। ठीक है, लेकिन इतना सीधा क्वेश्चन भी देता नहीं है ना, तो आपको ये चीज ध्यान रखना है कि वी कैन चेंज एवरीथिंग बट वी कांट चेंज द फॉर्मूला। आप फॉर्मूला चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, चलो तो ये हो गया। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखो तो स्मॉल एम इज इक्वल्स टू एन अपॉन डब्ल्यू केजी। जिस तरह से मोलैरिटी यूनिट थी, क्या थी मोलैरिटी यूनिट? वो मोल मोल लीटर यूनिट, मोल पर लीटर, मतलब इसकी भी यूनिट है मोल पर केजी। जी केजी है ना, तो मोल पर केजी इसकी यूनिट हो गई इक्वल्स टू मोल पर केजी, या फिर मोल केजी इनवर्स, या फिर ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला वगैरह सब हो गया, सीधे अपन आते हैं एग्जांपल पर, इसको नोट कर। Calculate small m.
ठीक है, तो ये मैं एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, बाकी फिर आपको लिखना है खुद का होगी। चलो ट्राई करो। देखो एक्चुअल में वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट मोलैरिटी है ना, फॉर्मूला अपन जानते हैं ना, है ना। तो हमारे पास वेट और मोल्स अगर मिल जाए तो काम हो जाए। तो पहले तो अपन निकालते हैं मोल्स, क्योंकि हमारे पास वेट और सॉल्यूट गिवन है ना। तो पहला काम करो मोल निकालो, एन किसका एन सॉरी ये हो जाएगा आपका Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का आपको मोल निकालना पड़ेगा। तो ऑब्वियस ही बात है वी हैव टू टेक द वेट ऑफ सोडियम कार्बोनेट एज वेल एज मोलर मास। तो वेट कितना है 45 ग्राम और मोलर मास है 106 106 ग्राम और फिर उसके बाद 0.42 काटना भी निकालने पड़ेगा 0.42 मोल्स आ गए। हां जी ठीक है। उसके बाद उसके बाद हमें चाहिए वेट किसका एन सॉरी वाटर का, हाँ सॉल्वेंट है ना, वो भी किसमें केजी में जी। बट वी डोंट हैव द सॉल्वेंट, वी हैव द एक्वस सॉल्यूशन ओनली। तो अगर सॉल्वेंट का चाहिए तो सॉल्यूट में सॉल्यूशन में से सॉल्यूट सॉल्यूशन में से सॉल्यूट माइनस करना पड़ेगा, यानी कि आपको सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट करना पड़ेगा तभी सॉल्वेंट आएगा। और सॉल्यूशन कितना है 1035 ग्राम ठीक है माइनस 45 ग्राम तो कितना आया 0.99 क्यों आया? अच्छा हाँ सॉरी वो क्या मैंने वो कर लिया था ना कन्वर्ट 35 गया 1000 आ गया उस बार 10 और माइनस कर दो 35 देखो 35 इसमें से माइनस गया 1000 बचा फिर 10 और गया तो 990 आ गया 990 ग्राम इसको कन्वर्ट करो केजी में ठीक है। तो डब्ल्यू केजी में कितना आ जाएगा दैट इज 990/1000 ठीक है ना, ग्राम केजी में कन्वर्ट करते हैं तो 0 से 0 कट गया वहां से कितना आ गया 0.99 केजी या फिर अप्रोक्सीमेटली 1 केजी 0.99 में कितना ही फर्क है। अब लगेगा फॉर्मूला तुम्हारा मोलैरिटी का तो m इज इक्वल्स टू मोल्स आ गया 0.42/1 आंसर कितना आ गया 0.42 आ गया आंसर कहां गड़बड़ हो गई बताओ मतलब इतना तो मेरा हो ही गया था तो फिर कहां कहां फट गई तो पता नहीं चलो फोन करो सर अगर ये भी दे दे दीजिए क्वेश्चंस ग्रुप बना दिया ना Next question. बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है अपने पास क्वेश्चन नंबर 2। An aqueous solution having molality 0.35 m find out the weight of CaO in kg in the 2 liter volume in the 2 liter volume जैसे कि हमारे पास एक तो मोलैलिटी है कितना 0.35 m एंड वी हैव द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम दे रखा है सॉल्यूशन का
कितना दे रखा है 2 लीटर, ठीक है ना। अब हमें निकालना है वेट, वेट निकालना है वो भी किसका, सीओ का, वो भी किसमें, ग्राम, वेट ग्राम में निकलता है। ग्राम में पूछा है केजी में पूछा है, केजी में पूछा है, केजी में ही, ठीक है। बस तो शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास जो चीज गिवन होती है, तो पहले माइंड में सेट रहनी चाहिए कि एक्चुअल में दिया हुआ क्या है, उससे क्या रोड मैप बिजी हो जाता है। तो उसके बाद में मोलैरिटी का चूंकि फॉर्मूला यहाँ पे वो दे रखा है वैल्यू, तो फॉर्मूला लगा देंगे इक्वल्स टू n अपॉन वॉल्यूम, w वो भी के जी में, ठीक है। अब हम लोग मोल नहीं निकाल सकते क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, वो नहीं है वेट, वेट नहीं है हमारे पास, ठीक है। और वॉल्यूम दे रखा है, सॉल्यूशन का दे रखा है 2 लीटर, बट हमें चाहिए सॉल्वेंट का, ठीक है। एक चीज हम जानते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, ठीक है। अब ये दे रखा है 2 लीटर, ठीक है, सॉल्यूट का आता पता नहीं और सॉल्वेंट का आता पता नहीं, तो एक साथ हम लोग दो अननोन वैल्यूज कैलकुलेट नहीं कर सकते एक टाइम पर, एक ही हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं ये मान के चलो कि क्या बोलते हैं कि जो सॉल्यूशन है वो क्या बोलते हैं सॉल्वेंट की इक्विवेलेंट है, अगर ये मान के चले, क्योंकि एक साथ दो अननोन वैल्यूज है, जब एक साथ दो अननोन वैल्यूज होती है तो आपको क्या करना है, आपको सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को इक्विवेलेंट कर देना है। अच्छा, समझ लो ये बहुत वो है, हिडन ट्रिक है ये। अगर मान लो एक साथ दो अननोन वैल्यूज है तो आप क्या कर सकते हो, हम क्या कर सकते हैं, मैथमेटिक्स क्या बोलती है, अगर एक वैल्यू अननोन है तो ये आप निकाल सकते हो, एक साथ दो अननोन वैल्यूज है तो निकालना काफी मुश्किल होता है, जल्दी आप उनको प्रेफर करते भी नहीं है ना। तो अगर दो वैल्यूज एक साथ आपको दिख गई, सॉल्यूट का भी पता नहीं सॉल्वेंट का भी पता नहीं, तो उस केस के अंदर आपको सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को क्या कर देना है, इक्विवेलेंट, यानी कि सॉल्यूशन इज इक्विवेलेंट टू सॉल्वेंट। हम क्या कर रहे हैं यहां पे, मैथमेटिक्स के हिसाब से हम अज्यूम कर रहे हैं ताकि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो, यानी कि 2 लीटर इज इक्विवेलेंट टू 2 व्हाट, 2 केजी, ठीक है ना। तो जो हमारे पास 2 की वैल्यू है उसको आपको यहां पे पुट करना है। अच्छा, बस समझ में आ गई। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये आपको ध्यान रखनी इंपॉर्टेंट है। बाकी क्वेश्चन से ये बस, बाकी क्वेश्चन, हां बिल्कुल, आपको अज्यूम करना क्या हमारे पास ऑप्शन नहीं बचता, कुछ तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो इस केस के अंदर आपको सॉल्यूशन सॉल्वेंट को इक्विवेलेंट मान लेना है अकॉर्डिंग टू द यूनिट। अब ये सॉल्यूशन वॉल्यूम लीटर में होता है, सॉल्वेंट को केजी में लेना है, जिसको आपने लीटर इक्विवेलेंट टू केजी, मैं तो मानते हैं कि लीटर किसके इक्विवेलेंट है, केजी के, सिंपल सी बात है। तो आपको यहां पे 2 केजी लेके चलना है, अब सॉल्व हो जाएगा। हां अब सॉल्व, तो मिटाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो दे रहा हूं थोड़ा सा इसमें आपको मस्तिष्क का उपयोग करना पड़ेगा, बहुत ही गहराई में करके, ठीक है, इसलिए बिल्कुल ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शन, नीचे दी हुई रिएक्शन को ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है। अब रिएक्शन इस प्रकार से है, CH4 plus O2 gives out CO2 plus H2, ठीक है। हाउ मच CO2, सॉरी इसमें आपको लिखना है, थोड़ा चेंज करते हैं, कैलकुलेट लिखो, कैलकुलेट the molality of CO2 solution if molality of CO2 solution if 40 gram CH4 has been used for preparing 500 ml
एक्वस CO2 सॉल्यूशन। स्टार्टिंग सही। देखो रिएक्शन वाले क्वेश्चन के अंदर आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी आपको रिएक्शन गिवन हो ना तो आपको एक चीज कंफर्म करनी है कि रिएक्शन आपकी बैलेंस है कि नहीं। इफ योर रिएक्शन बैलेंस और नॉट तो बताओ मुझे बैलेंस है कि नहीं बताओ। बैलेंस नहीं आती तो फिर तो रिएक्शन वाले क्वेश्चन चल ही नहीं पाओगे। बैलेंस और फॉलोइंग रिएक्शन ठीक है। अब बैलेंस चेक करने के लिए क्या करते हैं अपन ये देखते हैं कि रिएक्टेंट साइड है और ये प्रोडक्ट साइड है दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स सेम है कि नहीं है ना। इधर कार्बन एक ही है इधर भी कार्बन एक ही है तो कार्बन बैलेंस। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है यहाँ पे 2 है नॉट बैलेंस ठीक है। मतलब रिएक्शन इज नॉट बैलेंस। एक भी एटम अगर मिसमैच हुआ दोनों तरफ तो रिएक्शन बैलेंस है ठीक है। ऑक्सीजन देखो यहाँ पे 2 है इधर 2 है 3 है कि नहीं। इसको हमको क्या करना पड़ेगा बैलेंस करना पड़ेगा और बैलेंस करने के लिए पहले तो आप जो आपको जो रिएक्शन दे रहे हैं उसको लिखो। सी बहुत इजी होता है CH4 प्लस O2 गिव्स आउट CO2 प्लस H2। अब जो जो चीजें बैलेंस नहीं है उसको बैलेंस कर लो। जैसे अब CH4 में C की बैलेंस हुआ मत छोड़ो। हाइड्रोजन इधर 4 है इधर 2 ही है और नियम क्या बोलता है कि जिस तरफ एटम की संख्या कम है नंबर कम है उधर बैलेंस करो। इधर 4 है इधर 2 है यहां पे आगे इसके 2 लगा दो तो 2 2 4 हो गया बैलेंस हाइड्रोजन। लेकिन हाइड्रोजन को बैलेंस करने के चक्कर में ऑक्सीजन में बैलेंस हो गया है ना। ऑक्सीजन यहां पे 2 है इधर कितने हो गए 2 और 2 4 तो यहां पे 2 हो गया बैलेंस। नाउ दिस रिएक्शन इज बैलेंस ठीक है। पहला काम तो ये करना है रिएक्शन वाले क्वेश्चन। दूसरा काम क्या करना है फाइंड आउट दी ओरिजिनल वेट्स ऑफ ईच मॉलिक्यूल। इस रिएक्शन के अंदर 1 2 3 4 मॉलिक्यूल है कि नहीं। इन चारों को आप ओरिजिनल वेट कैलकुलेट कीजिए। ओरिजिनल वेट का मतलब हो गया मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट कीजिए। के बाद मॉलिक्यूलर वेट बोलते हैं मॉलिक्यूलर वेट। इसे रिएक्शन को दोबारा लिखता हूं CH4 प्लस अब बैलेंस करना है 2O2 गिव्स आउट CO2 प्लस 2H2 है ना। अब CH4 का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है इसका निकाला था अभी 18 नहीं होता 16 होता है 12 प्लस 4 अच्छा अच्छा 16 ग्राम हाँ ठीक है। 2O2 का कितना होगा ऑक्सीजन का 12 प्लस 4 हाँ ठीक है 12 प्लस 4 है ना। ऑक्सीजन का कितना होगा जैसे 16 प्लस का तो 32 एक ऑक्सीजन कितना होता है 16 और कितने ऑक्सीजन है 4 है तो 4 इंटू 16 करेंगे ना 4 इंटू 16 कितना होता है 48 नहीं होता 64 64 ग्राम ठीक है। CO2 कितना होगा 12 16 2 32 प्लस 12 कितना होता है 44 ग्राम ठीक है। और H2 होगा एक H2 का ध्यान रखो 18 होता है तो 2 H2 का पड़ेगा ठीक है। 18 × 2 कितना होगा 18 ग्रुप कितना होता है 36 ग्राम। तो ये क्विक होना चाहिए एक सोच रहे हैं कब आएगा कब सिग्नल पकड़ेगा ऐसे नहीं होना चाहिए। ये चीजें तुरंत होनी चाहिए वरना फिर आगे कितना लंबा प्रोसेस बचा है ना वहां फिर जाओगे। तो दो काम हो गए। जब ये दो काम हुए तो अब आपका जो क्वेश्चन कह रहा है आपको फॉलो करना है ठीक है। अब देखिए ध्यान से क्वेश्चन ने क्या बोला कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ CO2 सॉल्यूशन ठीक है। If 40 ग्राम CH4 has been used, actual में कितना CH4 use हो रहा है? 16 ग्राम ठीक है। और 16 से कितना बन रहा है? 44
भाई हमको CH4 और CO2 में रिलेशन निकालना है, बाकी को छोड़ दो, जो क्वेश्चन में दे रखा है उसके उस पे ध्यान दो केवल। तो एक्चुअल में 16 ग्राम हैज बीन यूज्ड टू प्रिपेयर 44 ग्राम ऑफ CO2, लेकिन इस बार कितना दे रखा है 40 ग्राम। तो अगर 16 ग्राम से इतना बना तो 40 ग्राम से कितना CO2 बनेगा? अच्छा ऐसा है क्या इस क्वेश्चन में? ठीक है, तो यहां पे आता है हमारा थर्ड स्टेज। इसमें आपको क्या करना होता है, ऑब्टेन द अमाउंट ऑफ CO2, जो भी कंपाउंड दे रखा है उसका क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए अब ये चीज मैं आपको बोल रहा था कि 16 ग्राम CH4 से कितना बन रहा है 44 ग्राम CO2 बन रहा है। तो 1 ग्राम से कितना बनेगी बताओ, कितना बनेगा? 44 डिवाइडेड बाय 16, 44 डिवाइडेड बाय 16 ग्राम CO2 बनेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपने 40 ग्राम ले लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन तो कितना बनेगा? तो 44 अपॉन 16 इनटू 40 ग्राम। ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत जल्दी याद करना है और तुरंत याद करना है, रट लेना है इसको कि भाई इतने से इतना बन रहा है तो एक से कितना बनेगा, ये दिस डिवाइड बाय दिस। ठीक है, तो जितना पूछा है उससे कितना बनेगा। ठीक है, तो काटो इसको, दो से कट रहा है, सब दो से कट रहा है, 22 और ये 8 है ना, 4 और ये तुम्हारा 20 और ये 5 पे कट गया। तो 22 इंटू 5 कितना होता है 110 ग्राम CO2, मतलब 60 ग्राम से इतना बन रहा है तो 40 ग्राम से कितना बनेगा, इतना ये वेट आ गया CO2 का। और मोलैरिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, वेट ही तो है। तो बस अब हो गया तुम्हारा सारा काम खत्म, तो अब निकालो, अब मोलैरिटी कैसे निकालेंगे? देखो फॉर्मूला हमने सीखा ही है कि m इज इक्वल्स टू क्या, n अपॉन w kg के अंदर। तो पहले तो निकालो n, w अपॉन m, w कितना है ये रहा 110, m कितना होता है CO2 का 44, तो 110 अपॉन 44 कितना हो जाएगा, दो से काटो उसको, 2 2 2 5 5 है ना। अब ये कितना हो जाएगा 22 2 44, तो 2.55 माइनस 44 10 बचा, पॉइंट आगे 0, हाँ ये हो जाएगा 4 टाइम्स 2.4, तो 2.4 आगे इसके मोल्स और बोलो क्या कर दिया 2.4 आ गया। अब वेट केजी में चाहिए, अब CO2 सॉल्यूशन का 500 ml दे रखा है। ठीक है, ठीक है ना, तो मतलब डब्ल्यू के जी किसमें आएगा, दैट इज सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, जो हमने सीखा था पहले। सॉल्यूशन कितना है 500 ml, 500 ml इज इक्वल टू 500 ग्राम। ठीक है ना, 500 ग्राम माइनस कितना ग्राम सॉल्यूट का, 110 ग्राम, तो कितना बचा 500 ml सो आगे तो 400 में 10 है तो 390 आपका ये। बस अब क्या करना है, अब बस सॉल्व कर देना है। तो m इज इक्वल्स टू मोल्स आ गया तुम्हारे 2.4 अपॉन 390 ग्राम में है, kg में कौन रहेगा रॉबर्ट, kg में, तो 390 या फिर एक काम करो 390 अपॉन 1000, ऊपर 1000 कर दो, इसको हटाया नीचे 10 और लगा दिया तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, फिर एक जीरो से एक जीरो कट गया, तो यानी कि हमारे पास क्या बचा 240 अपॉन 39 को डिवाइड करो कितनी बार जाएगा, 2 टाइम जा सकता है 78 नहीं तो ज्यादा बन जाएगा 7 लेके देख रहे हैं उसको, पूरा नोट करो ऐसे क्वेश्चंस और आपकी।
हाँ और भेजेंगे तुम्हें। अब नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, पहले तो इसको नोट कर लो, पहले नोट इसको पूरा नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको अच्छे से लर्न करने हैं, प्रैक्टिस करनी है, मैं और सेंड करूंगा तो करना। अब ये नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका है मोल फ्रैक्शन। मैंने आपको जो चार्ट बनाया था ना एक, उसमें देखो कौन सा है मोल फ्रैक्शन ही है ना। कितने कर लिए उसमें से हमने? पांच कर लिए। पांच कर लिए। चलो नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसके अंदर जो हमें पता होनी चाहिए, पहले तो पता होना चाहिए सिंबल। इसे सिंबल को हम लोग क्या बोलते हैं? CHI, काय। CHI है ना, काय। अब दिखने में कैसा होता है ये? दिखने में एक्स का होता है, लेकिन तो एक्स मत बोलना, ये भी इस तरह से होता है काय। सेकंड देखेंगे इसकी डेफिनेशन, दैट इज रेशियो ऑफ मोल्स of one component, ratio of moles of one component along with total components, ठीक है, और इसी को और called mole fraction। और इसी डेफिनेशन के बिहाफ पे हम लोग इसका बनाएंगे फॉर्मूला, ठीक है, समझ में आ जाएगा। अभी एक्चुअली हमको तो रेशियो लेना है, जैसे सॉल्यूशन जब बनता है उसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होते हैं, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर दोनों हैं तो हम सॉल्यूट का भी मोल निकाल सकते हैं, सॉल्वेंट का भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का हम लोग मोल निकाल सकते हैं, तो आप रेशियो तो ले सकते हो सॉल्यूट का और सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का, है ना। तो जब रेशियो अपन लेते हैं तो उसमें क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है। फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले की बात करें तो आप मोल फ्रैक्शन दोनों के निकाल सकते हो, मतलब काय कैन बी कैलकुलेटेड फॉर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट बोथ। ठीक है, जब अपन सॉल्यूशन की बात करते हैं तो अगर हम देखते हैं काय सॉल्यूशन, तो काय सॉल्यूशन इज ऑलवेज इक्वल टू काय सॉल्यूट प्लस काय ऑफ सॉल्वेंट। एक चीज तो ये पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब इसके अंदर काय ऑफ सॉल्यूट और काय ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, है ना, हर जगह सॉल्यूशन मिलेगा। तो पहले अपन देखते हैं इन दोनों का फॉर्मूला क्या होगा। तो काय ऑफ अगर सॉल्यूट की बात करें तो काय ऑफ सॉल्यूट इज ऑलवेज इक्वल टू एन ऑफ सॉल्यूट, एन मतलब नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट के, ठीक है। सो एन सॉल्यूट प्लस एन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। और काय ऑफ अगर मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का है, हाँ, जब मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट निकलता है तो मोल सॉल्यूट के ऊपर आ जाता है अपॉन टोटल मोल्स सॉल्यूट टू सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट का निकाल लो मोल फ्रैक्शन तो मोल के ऊपर आ जाएगा, तो n ऑफ सॉल्वेंट अपॉन n ऑफ सॉल्यूट प्लस n ऑफ। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखनी है कि मोल फ्रैक्शन इज यूनिटलेस वैल्यू, इसमें आपको कोई भी यूनिट नहीं लगानी है। तो पूरा नोट करो, फिर अपन एक क्वेश्चन करते हैं इसमें।
ठीक है, ये क्वेश्चन नोट करो, फिर मैं आपको बता दूंगा। 80 ग्राम ऑफ NaOH डिसॉल्वड इन 1 लीटर ऑफ वाटर, कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन। ठीक है, सॉल्व करते हैं। एक ये वाला मैं कर रहा हूं, शुरुआत के आप करो। देखिए, सो हम जानते हैं कि NaOH यहां पे क्या है, सॉल्यूट। ठीक है, तो पहले हमको क्या बोलते हैं, मोल्स निकालने पड़ेंगे। मोल फ्रैक्शन के लिए आपको मोल से ये पहले दोनों के हम मोल निकाल लेते हैं। तो N of NaOH और एक हमको निकालना है N of H2, क्योंकि सॉल्वेंट क्या है, वाटर। तो जब आप मोल्स ऑफ NaOH निकालोगे तो इसका वेट ऑफ मोलर मास और इसका भी वेट ऑफ मोलर मास, ठीक है, इसका वेट कितना दे रखा है, 80 ग्राम अपॉन NaOH का मोलर मास 23 प्लस 16 प्लस 1 कितना होगा, 40 ग्राम। ठीक है, यानी कि 2 आ गया इसका। ठीक है, इसका देखो अब वाटर कितना देता है, 1 लीटर। वेट चाहिए ग्राम में, लीटर में नहीं, तो 1 केजी। 1 केजी और 1 केजी ग्राम में और करेंगे तो 1 केजी को मतलब 1000 हो गया। तो 1000 अपॉन मोलर मास कितना होता है वाटर का, अभी 18। अच्छा, 2 प्लस 16 18। और 1000 बाय 18 की वैल्यू क्या आ जाती है ना, 55.5। ठीक है, हमेशा काम है। तो नाउ वी हैव द मोल्स एंड इफ वी हैव द मोल्स देन आल्सो वी कैन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ NaOH निकालो, दैट इज N ऑफ NaOH अपॉन N ऑफ NaOH प्लस N ऑफ H2O, यानी कि कितना दे रखा है इसका, 2 अपॉन 2 प्लस 55.5। ठीक है, 55.5 प्लस 2 कितना होगा, 57.5 होता है, अपन 58 लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेटली, 0.5 के आसपास है। तो 2 अपॉन 58, काटो उसको, 2 से कट रहा है, 2 1 2 ज्यादा आ जाएगा। ठीक है, तो 3 टाइम, तो आंसर कितना आ गया, 0.03। किसके मोल फ्रैक्शन, NaOH का। अभी केवल किसका निकला, NaOH का। अभी सॉल्वेंट का निकालना। हाँ, तो कैसे निकालेंगे, सॉल्वेंट का H2O। ठीक है, इज इक्वल्स टू N of H2O अपॉन N of NaOH प्लस N of H2O। N of H2O कितना है, 55.5 अपॉन, मतलब इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली 56 ले लेंगे। ठीक है, और टोटल कितना आएगा, 58। ठीक है ना, इसको 56 ले लो। ठीक है, तो जब काटा पीटी आप करोगे तो कितना आ जाएगा, 58 को अगर आप काटते हो, 58 टू कितना होता है, 1 1 16 होता है ना। ठीक है, तो फिर कर 0.5 आंसर प्लस को कोई मैं दूसरे काट दें, 2 2 4 2 9 18, 2 2 4 2 7 2 8 29 हो जाएगा तुम्हारा 0.5, तो काटो उसको, पॉइंट लगा के अपने 280 हो गया। तो 29 3 60 तो अपना हो जाएगा ये 300। 29 को अपन एक बार एक से करते हैं, और 232 आ रहा है। 29 को अगर हम 9 से करें तो
तो 9 times जाएगा ये आराम से 0.9 ठीक है। तो ये आ गया H2O का, ये आ गया NaOH का, ठीक है। तो इस तरह से आप मोल फ्रैक्शन का पूरा बेटा तो समझ में कैसे करना है, पहले मोल्स उसके बाद में मोल फ्रैक्शन विद दिस फॉर्मूला, क्लियर है? इसको पूरा नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ मैं। इसमें एक चीज और लिख लो, इसी के नीचे एक नोट डाल दो, पॉइंट लिख लो, नोट नोट डाल क्या पॉइंट लिखोगी आपको ये लिखना है कि जो काय ऑफ सॉल्यूट होता है और जब काय ऑफ सॉल्वेंट होता है, जब आप इन दोनों को ऐड करो तो या तो आंसर 1 के इक्वल आए या फिर 1 के अप्रोक्सीमेट आए। अगर ऐसा है तो ही हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब इन दोनों को जोड़ो, या तो होना चाहिए या बल्कि प्रॉस होना चाहिए, आ रहा है मतलब हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है, ठीक है। इसको अपने शब्दों में लिखो, अपने वर्ड्स में, कि दोनों को ऐड करने पर आंसर या तो 1 या बल्कि प्रॉस होना चाहिए। अगला क्वेश्चन दीजिए, इसको मिटा देते हैं।